प्रणमीय सिरसाणेनिम् गुणरयण विभूषण महावीरम् सम्मत्तरयण निलयम् पयडि समुक्कितणम् वोच्छम्। पांचवी गाथा हमारी चल रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि एक समय प्रबद्ध मात्र परमाणु बाहर निकलते हैं और गुण हानि से गुणित, डेढ़ गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध सत्ता में पड़े रहते हैं, ये चर्चा चल रही है। इसको हम देखते हैं गोमटसार कर्मकांड भाग दो है क्या देखने जा रहा कोई? बड़ी आपत्ति है, कैसे हो? हाँ देखिए, आज चार्ट के माध्यम से थोड़ा हमें देखना है, फिर काफी कुछ चर्चाएं करनी है, अपन बाद में करेंगे। पहले अपन इसकी सिद्धि करें कि जितना इनपुट होता है उतना ही आउटपुट भी हो रहा है, और फिर भी उसके बावजूद भी डेढ़ गुना सत्ता में कैसे पड़े रहता है। चलो चौंक लो जल्दी, मैं कहूँगा वैसा करते चलो। हाँ देखिए, इसको क्या वाई एक्सिस कहते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल को? बहुत साल के बाद मैंने प्रोनाउंस किया वर्ड और एकदम याद आया आप भी। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस भी बना कर रख दो, एक्स एक्सिस। हम ग्राफ के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। जैसे फिल्म के प्रारंभ में, सीरियल के प्रारंभ में ये बताया जाता है कि ऑल द कैरेक्टर्स इन दिस फिल्म ये इमेजिनरी है, ये सत्यार्थ नहीं है, आप टैली करने का प्रयास न करें। दीज कैरेक्टर्स डू नॉट रिजेंबल दोज, ऐसा आता है। उसी प्रकार ये हम जो मैप बना रहे हैं किसी अपेक्षा से आपको पकड़ में आएगा, इसके कुछ ड्रॉबैक्स है। उदाहरण एक देशी होते हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स है ये मैं आपको बाद में पूछूंगा, आपसे ही जानना चाहूंगा ये सत्यार्थ तक क्यों नहीं हो सकती। अभी तो हम डायग्राम में लिखना चालू करें। वाई एक्सिस है, ये इनपुट के लिए हम इसको रखेंगे, कर्मों का आना, नो कर्म आदि भी गर्भित रूप से आप समझेंगे, ये कर्मों का आना। और ये जो एक्स एक्सिस है ये कर्मों का खिरना। अभी देखिए, यहाँ पर आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हाँ बराबर आप मार्किंग करिए, जिसमें हाँ आप लिख लीजिए ऐसा लगभग 8-10 करिए, बस हो गया। तो वाई एक्सिस पर हमने एक डेफिनेट इंटरवल्स पर मार्किंग की है, ये डेफिनेट इंटरवल्स एक एक समय को दिखाते हैं, तो प्रत्येक समय में आने वाले कर्मों को ये दिखाएगा। क्या है ये हम देखते हैं। इसको पहले समय में अब कल्पना करें, 100 परमाणु आ रहे हैं, इनकमिंग 100 एंड सो ऑन, हर समय में 100 परमाणु अंदर आ रहे हैं, ऐसे आप कल्पना करें। सब समझ रहे बात को? कर दो सबको 100-100 कर दो, 100-100 परमाणु इनटेक प्रत्येक समय में उतना हो रहा है, ये आप कल्पना करें। ठीक है, 8-10 समयों में ऐसी कल्पना अपन कर सकते हैं। 10 समय में कल्पना करी है, लगातार 200 समय में 100-100 परमाणु आए हैं। मैं आपको पूछूं, इसमें फिक्टिशियस क्या है, इसमें काल्पनिकता क्या है, क्या नहीं है? दूसरा भाग नहीं मिला आपको? ओके, जैन सिद्धांत प्रवेशिका गोपाल दास जी वाली है यहाँ पर? गोपाल दास जी वाली नहीं है, चलो ठीक है। चलो सुनिए, कोई बात नहीं है इसमें, आप तो सुनिए सब, कोई तकलीफ नहीं है, कुछ नहीं चाहिए भैया, बैठो बैठो, कुछ नहीं चाहिए। ए सुनो, देखो
तो ये कितने समय आपने लिए है? 9 लिया आपने, और एक कर दो 10 समय कर दो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लगातार 10 समयों में प्रत्येक समय में 100-100 परमाणु आए हैं, ऐसी कल्पना करो। ये कल्पना क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि आने वाले कर्मों की संख्या कभी भी कर्म नो कर्म की 100 में नहीं होती, अनंतों में ही होती है। लेकिन हम अनंतों का कैसे दिखाएंगे यहां पर, तो इसलिए इमेजिनरी के रूप में 100-100 हम दिखा रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये आउटपुट भी हमको दिखाना है, वैसे हम कुछ एज्यूम करके चले। यहां पर लिखो समय प्रबद्ध 100, एज्यूम समय प्रबद्ध 100। ऊपर लिखेंगे एम, एम क्या लिखेंगे, एम क्या लिखेंगे, फाइंड क्या करना है, थ्योरम क्या है बनेगा, समय एक समय प्रबद्ध मात्र आते हैं, एक समय प्रबद्ध निकलते हैं, और डेढ़ गुना हानि से गुणित समय प्रबद्ध सत्ता में पड़े रहते हैं। ये हमको ये एम है हमारा। अब देखिए समय प्रबद्ध इज इक्वल टू 100 हमने किया, वेरी नाइस। अब आगे चलते हैं। अब आउटपुट का खिरने का हमको दिखाना है, खिरने का भी एक्स एक्सिस पर डेफिनेट इंटरवल्स पर आप लोकेट करिए पॉइंट्स 1, 2, 3, ठीक है। व्हाट डज दिस इंडिकेट, ये एक एक समय को बताता है, हर एक समय की बात है। ये 10 समय ही यहां पर करके रख दो आप, और लिखना तो कुछ नहीं समय, और समय लिखना हो आप एक काम करिए, ऐसा करो आप लिखना चालू करो समय 1 लिखो आप, वहां पर नहीं लिखना, एक एक काम करो वो लाइन जो इंटरवल है ना, वो इंटरवल एक समय का सूचक है, वो नहीं डॉट नहीं, उसके उसके बीच में एक लिखो बस, ये ठीक है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मेरा विशेष पर्पज है जो मैं ऐसा कर रहा हूं। ये पॉइंट पर आपको 1, 2, 3 नहीं लिखना है, बीच बीच में 1, 2, 3 लिखते जाओ, ठीक है। 7, 8, 9, 10 ये 10 समय इन्होंने लिखे है। आउटपुट के बारे में अभी हमने जिक्र कुछ नहीं किया है, ठीक है। अभी देखिए, ए तुम चटाई उस तरफ ले लो थोड़ी सी, हाँ। अब देखिए आबादा काल लिखिए, डाटा एज्यूम में अपन लिखते हैं ना, स्केल लिखते हैं, एक स्केल ग्राफ पेपर में, तो स्केल अनंत S2 क्या साइन होता है, 1:100 ऐसा करते हैं ना, S2 कहते हैं ना आप उसको, दो डॉट्स को, तो S2 कहते हैं आप, तो 1:100। अभी यहां पर क्या करेंगे, अनंत S2 100, ये अपना स्केल होगा। आबादाकाल इज इक्वल टू एक समय आप लिखिए, एक समय आबादाकाल, वैसे एक समय आबादाकाल कभी नहीं होता। आबादाकाल एक कोड़ी सागर के लिए कल बताया था 100 वर्ष का आबादाकाल पड़ता है, उस अनुपात में विचार करें 70 कोड़ी सागर की स्थिति बंद करी होगी, 7,000 वर्ष का आबादाकाल पड़ता है। उसके पहले बिल्कुल परमाणु नहीं खिरते, कुछ भी परमाणु नहीं खिरते, अर्थात कर्म उदय में नहीं आता, कुछ फल नहीं देगा, चुपचाप पड़ा रहेगा पुढ़वी पिंड समाना। लेकिन यदि सम्यक दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि की बात क्यों की मैंने, वैसे सम्यक दृष्टि हो तो कोई भी कर्म बांधता है तो उसकी स्थिति कितनी बांधता है, अंत कोड़ा कोड़ी से ज्यादा स्थिति सम्यक दृष्टि कभी नहीं बांधता। मिथ्या दृष्टि भी बांध सकता है, ऐसी कोई खास बात नहीं है, एक इंद्रिय वगैरह 2 इंद्रिय तो बांध ही नहीं सकते ज्यादा। एक हद दो सागर मैंने आपको बताया भी था, कोड़ा कोड़ी में तो वे बांध ही नहीं सकते, एक इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि ये कोड़ा कोड़ी में बांधते भी नहीं है, ठीक है। ये तो संगी पंच इंद्रियों की बात है, कल मैंने बताया था ना, कल परसों दर्शन मोह की ज्यादा स्थिति असंगी पंच इंद्रिय भी कितने, 1,000 सागर बताया था क्या, 1,000 सागर से ज्यादा नहीं। और अंत कोड़ा कोड़ी सागर मतलब क्या होता है, 1 कोड़ा कोड़ी सागर से कम और 1 करोड़ सागर से ज्यादा, कितना ज्यादा है ये। सम्यक दृष्टि जितने भी कर्म बांधता है उसकी स्थिति कितनी पड़ती है, अंत कोड़ाकोड़ी सागर। और अंत कोड़ाकोड़ी सागर के लिए आबादा काल बताया है अंतर्मुहूर्त,
इसलिए डेफिनेटली नियम है, सम्यक दृष्टि जितनी भी प्रकृतियां बांधता है अंतर मुहूर्त में वे सब की सब उदय में आती है। इसीलिए तीर्थंकर प्रकृति भी अंतर मुहूर्त में उदय में आना चालू होती है। एक दिन आप पूछ रहे थे मुझे स्थिविक संक्रमण का, अभी समझ लो, बैठो थोड़ा सा फिर खड़ा करूंगा। देखिए तीर्थंकर प्रकृति की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है? ऐसी कौन सी कर्म प्रकृतियां हैं जिसकी उत्कृष्ट स्थिति अंत कोड़ाकोड़ी सागर ही होगी? बताइए कोई, ऐसी कौन सी कर्म प्रकृति है जिसकी उत्कृष्ट स्थिति अंत कोड़ाकोड़ी सागर ही होगी, उससे ज्यादा नहीं? वेरी नाइस, वेरी नाइस। अहरक, द्विक और तीर्थंकर, यही तीन प्रकृतियां हैं जिनकी उत्कृष्ट स्थिति अंत कोड़ाकोड़ी सागर है। ध्यान रखना, आयु कर्म की अभी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आयु कभी कोड़ाकोड़ी में होती भी नहीं है। आयु की चर्चा अलग से बाद में करेंगे, एक दो दिन निकलने दो। तो इसलिए सम्यक दृष्टि ही उसकी वो प्रकृतियां बांधता है तीर्थंकर आहारक द्विक, इसलिए वो अंत कोड़ाकोड़ी सागर ही होती है। अंतर मुहूर्त के बाद वे उदय में आना चालू होती है। इसका मतलब सीधा ये हुआ, तीर्थंकर प्रकृति बंद किया मान ले श्रेणी के ने, तीर्थंकर प्रकृति बंद कब किया उनने? महावीर भगवान का समोचरण आए विपुलाचल पर, और जैसा कि नियम है केवली द्वय के पादमूल में वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है, उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। अभी कर लिया, नियम क्या बोल रहा हूं मैं साथ साथ हर्षिल, अंतर मुहूर्त के बाद उदय में आना जरूरी है, और वहां से वे मरे नरक में गए, 84,000 वर्ष वहां पर रहेंगे, वहां से निकलेंगे महापद्म बनेंगे, जो भी उनकी आयु होगी 70-72 साल की, फिर उनकी दिव्य ध्वनि खिरेगी। ओके, फिर दिव्य ध्वनि मतलब 70-72 के उतना माइनस कर लो। आप पकड़ रहे मेरी बात को? मुझे कहना यह है कि मैं तो यह कह रहा हूं कि उनकी तीर्थंकर प्रकृति उदय में आना चालू हुई, यह मैं बोल रहा हूं आपको। कब? कब? वो तभी जब श्रेणिक थे, उसी परे की बात कर रहा हूं मैं। ऐसा नहीं है कि तीर्थंकर प्रकृति 13वें गुणस्थान में उदय में आती है। आप पकड़ रहे मेरी बात को सभी? लेकिन देखिए, तीर्थंकर प्रकृति स्वमुख से उदय में 13वें में आती है, यह बात सत्य है। और उससे पहले जो तीर्थंकर प्रकृति उदय में आती है स्वमुख से नहीं आती, परमुख से आती है, अर्थात नाम कर्म की अन्य प्रकृति रूप संक्रमित होकर उदय में आती है, उसे स्थिवक संक्रमण कहते हैं। चलना है आगे? अब मैं तो क्या कह रहा था वैसे, कुछ कह रहा था, आबादा काल की चर्चा चल रही थी, आबादा काल, जिसमें मैं ये कह रहा था अंत कोड़ाकोड़ी सागर की स्थिति होगी तो अंतर मुहूर्त आबादा काल पड़ता है। मतलब किसी भी कीमत पर, एक बात तो पक्की नक्की हो रही है, क्या? किसी भी कीमत पर अंतर मुहूर्त के पहले तो कर्म उदय में नहीं आता। अब भी हमने कुछ भी किया तो कम से कम अंतर मुहूर्त जाना पड़ेगा उदय में आने के लिए। पुण्य करो, पाप करो, किसी भी स्तर का करो, बल्कि ज्यादा स्तर का करेंगे तो और वो ज्यादा ही उदय, देर से उदय में आएगा, और कम डाइल्यूट होगा, मंद होगा तो कम स्थिति बांधेगा, तो कम स्थिति बांधेगा तो अंतर मुहूर्त में वो उदय में आ सकता है, यदि अंत कोड़ाकोड़ी स्थिति होगी उसकी, अंत कोड़ाकोड़ी सागर। तो अंतर मुहूर्त पहले तो उदय में आना नहीं। और एक नियम क्या है, यदि उदीर्णा होती है तो उस कंडीशन में एक अवली अबदकाल पड़ता है। ये अबदकाल के दो नियम मैंने और डाल दिए। यदि अंत कोड़ाकोड़ी स्थिति पड़ेगी, अंत कोड़ाकोड़ी सागर, तो अंतर मुहूर्त अबदकाल लेना, तो फिर उसको 100 वर्ष वगैरह ऐसा नहीं होगा। और यदि उदीर्णा होती है कर्म की तो अबदकाल उसके लिए पड़ता है एक अवली। एक अवली के पहले तो किसी भी कीमत में उदय में तो नहीं ही आना, उदीर्ण होने के बावजूद भी नहीं आना, क्यों? उदयावली में स्थित जो कर्म है उनकी थोड़ी ना उदीर्ण होती है, वो तो जिनकी उदीर्ण हुई है वे उदयावली में आते हैं, उदयावली में जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उनकी उदीर्ण नहीं होती। चलना है आगे, अभी चार्ट पर आइए, सीधा बढ़ना है हमको। एक समय का आबादा काल का मतलब एक समय तक वो उदय में नहीं आएगा, ये एक नियम रहा। अब पहले समय में निषेक रचना क्रम अपन एज्यूम करते हैं इसका,
ये कैसे उदय में आए? पहले समय में तो उदय में नहीं आएगा, दूसरे समय में इसके 30 परमाणु खेरे, अब बिल्कुल 2 के ऊपर, बिल्कुल 2 के ऊपर, हाँ हाँ लिखो वहां पर, हाँ 30, ठीक है। आप एक काम करो, थोड़ा वो जो 100 है ना, उस 100 के लाइन में लिखो 30, हाँ बराबर। और एक काम करना है, ये जो क्या कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे इसको, पॉइंट को, ओरिजिन, ओरिजिन, वो ओरिजिन पर भी 100 लिखो आप। वो पहला समय आप एज्यूम करो वाई एक्सिस का, जो ओरिजिन है ना, वो पहला समय एज्यूम करो, वहां पर 100 परमाणु आए। अब यहां पर अपन देखो 30 परमाणु खिरे दूसरे समय में, ये 30 लोकेट करो सबके सामने, देखो ये अरे अरे 30 जो जहां पर लिखा है आपने, ये 30 खिरे वाले अपन दिखा रहे हैं। अभी पूरी लाइन में आप दिखाओ, तीसरे समय में खिरे मान के चलिए 25, कल का उदाहरण लिया था उसी को लेते हैं, हाँ बराबर। मान के चलिए चौथे समय में खिर रहे हैं 20, पांचवें समय में 15, क्या टोटल हो रही है 90, छठे समय में 10, ठीक है। तो वहां पर ऊपर लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, कितने समय में खेराया अपन ने, अपने 6 समय में खेराए कर्म, तो क्या लिखना पड़ेगा, स्थिति इज इक्वल टू 6 समय लिखिए। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को, स्थिति इज इक्वल टू 6 समय, वैसे स्थिति कभी भी 6 समय ऐसी नहीं पड़ती, स्थिति इज इक्वल टू 6 समय, जिसमें एक समय तो आबादा काल, इसका मतलब 5 समय में ये 100 परमाणु खिरने हैं, और वे भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, कल बताया था उसको कहते निषेक रचना क्रम, निषेक निह शेक, शेक मतलब सींचना, अभिषेक वर्ड है ना, अभिषेक, अभिषेक, शेक सींचना, चहु ओर से पानी को सींचना, उसको अभिषेक कहते हैं। अपने यहां तो मान्य नहीं है, अपन प्रक्षाल स्वीकार करते हैं, लेकिन कहीं अभिषेक आया भी है तो प्रक्षाल वाची ही उसको ले लेना। क्षालन करना मतलब साफ करना, शेक मतलब सींचना, यहां पर खिरना, निषेक, तो कर्म के खिरने को निषेक कहते हैं। विशिष्ट रचना में खिरते हैं, गट्ठे में, स्टैक्स में खिरना, ठीक है। अब देखिए ये जो 100 बंधे थे, ये वहां पर 100 लोकेट करो, ओरिजिन, ओरिजिन वाला जो 100 है ये बंधे, पहले समय में 100 बंधे, वो ये उसके खिरने का क्रम अपन ने यहां पर दिखाया। जो पहले समय में बंधे था, बंधे थे 100 परमाणु, वो एक समय के बाद उदय में आना चालू हुआ और छठवें समय तक वो उदय में आता रहा और खिर गया 6 समय में पूरा, ये पकड़ रहे हैं बस। अभी इसी एंगल से हमको आगे बढ़ना है, तो अभी अपनी सिद्धि होगी। सेकंड समय पर आओ, अभी सेकंड समय, दूसरा समय पर 100 परमाणु आए, दूसरा समय इनपुट का, दूसरा समय ओरिजिन का पहला समय था, ये दूसरा समय 100 परमाणु आए। अभी ये आए वाले, अभी ये खिरेंगे क्रम से, तो ये आप लिखिए, हाँ ये दूसरे समय में आए, इसलिए तीसरे समय में आउटपुट दिखाओ। आप पकड़ रहे मेरी बात को, क्योंकि इसका भी आपको समझना है, आबाद हूबहू आबादा का एक समय और स्थिति बन 6 समय का, 6 समय का स्थिति, 5 नहीं बोलना, 6 बोलना, 5 समयों में खिरेंगे आबादा काल को छोड़कर। तो हूबहू आप देखिए वो उसी क्रम में खिर रहे, 30 25 20 15 10, सब समझ रहे बात को। अब वैसे ही रिपीट करेंगे ऊपर, और जो अभी लोकेट करो, एक मिनट, तीसरे समय में 100 परमाणु अंदर आ रहे, सब देख रहे उस 100 को, अभी ये खिरेंगे तो चौथे से खिरना चालू दिखाना पड़ेगा अपने को, तो चौथे समय में 30 लिखो ऊपर, राइट, 25 के ऊपर 30 लिख दो, हाँ सब पकड़ रहे। अब बात को पूरी करो, ठीक है बराबर। अब क्या कर रहे तुम, हाँ ठीक है, तुम ये चौथे समय को लोकेट करो, पांचवे को लोकेट करो, अभी पांचवे को देखना है ना, अभी
चौथे को, ये चौथे समय में 100 परमाणु अंदर आए तो खिरेंगे पांचवे से, तो पांचवे से लिखना चालू करो। ये तुम टेढ़ा टेढ़ा जा रहे हो, तुम एक काम करो, ये पांचवे समय के लिए एक सीधी लाइन खींचो, पहले वर्टिकल लाइन खींचो। ए सुनो सुनो, ये पांचवा समय है ना, पांचवा समय के लिए वर्टिकल दोनों लाइन खींच लो दोनों तरफ, पांच के अगल बगल में। हाँ, तो तुम्हें समझ में आएगा कहाँ गाड़ी जा रही है। चलो ठीक है, हाँ बढ़ो अभी आगे, कहाँ तक आए? हाँ, चौथे समय में बंदे पांचवे समय से खिर रहे हैं, पांचवे में 30 खिरे, छठवे में 25, सातवे में 20, आठवे में 15 और नौवे में 10। बराबर है ये? और एक ले लो अभी, और एक ले लो। अभी पांचवे समय में बंदे लोकेट करो, पांचवा समय दिखाओ वाई एक्सिस का, पांचवा समय और ऊपर चलो एक। ये पांचवे समय में 100 परमाणु आए, छठवे समय में खिरना चालू होंगे, छठवे में 30 लिख दो अभी, 25 के ऊपर 30 लिख दो। बराबर, अब ये पूरा कर दो बस। अभी हम देखेंगे इसमें तो किसी को कोई बाधा नहीं होगी अभी तक। अभी देखिए, मैं आपको ये दिखाऊंगा, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, ऐसा होते हुए भी 1.5 गुना अपन को सत्ता में दिखाना है ना। अभी दिखा रहा हूं, देखो अभी ये जो कॉलम है कौन सा, 30, 25, 20, 15, 10, ये छठवें समय को थोड़ा मुख्य करो आप। ज्ञान में आ रही है छठवें समय पूरा? छठवें समय में कितने खिर रहे, मैं प्रश्न पूछता हूं। कुल 100 परमाणु खिर रहे हैं, हालांकि बोले मेरी बात को पूरा करिए अभी, हालांकि वे 100 नहीं है जो पहले समय में बंदे थे, अनेक समय में बंदे एक साथ खिरते दिखा रहे अपन। सो तो मैं कल ही बोल ही रहा था आपको, टोडरमल जी ने कहा था एक समय में बंदे अनेक समय में उदय में आते, अनेक समय में बंदे एक समय में उदय देते, ठीक है। एक समय में पाप की अपार सनातने बहु बहुअंतरों तक फल दे रहा है, और विरुद्ध हो सकता है, बहु बहुअंतर में बांधा हुआ एक समय में फल देवे। आगे बढ़ते हैं, तो छठे समय में 100 खिरे। अभी छठवा समय को दिमाग में लीजिए, 100 आ रहे हैं और 100 जा रहे हैं, ये छठवें समय को फोकस करें अभी सब। अपना थीम समझने के लिए छठवा समय हमको कार्य करे, 100 परमाणु आ रहे हैं, 100 जा रहे हैं, हमको दिखाना क्या है अभी, सत्ता में बंद सत्ता उदय, तीन चीजें है ना, क्या चीजें है, बंद सत्ता उदय, आना रुकना जाना। मेहमान आए, 2 दिन रुके और चले गए, आना रुकना जाना। तो छठवा समय में 100 आए 100 गए, अभी 150 कैसे रहते हैं हम देखते हैं। देखिए ये 30 खिरे, हाँ बराबर राइट, ये जो 30 खिरे है, हाँ तो ये 30 खिरे, तो बचे कितने, आप समझ रहे, 100 में से 30 खिरे, तो बचे कितने उस समय में, उस समय में, अगले समय में वो खिरेंगे वो नहीं देख रहे अभी अपन, वो अगले समय का कुछ नहीं देखना। मुझे तो इतना ही कहना है कि जिस समय में 30 खिरे छठवें समय में, ठीक है, तो 30 खिरे तो 70 बचे खिरना, तो आप ऊपर इसका रिकॉर्ड बनाओ, इसका रिकॉर्ड बनाओ, हाँ 70 बचे, ठीक है। बस अभी एक करो आगे, अभी छठवाई समय अपन मुख्य कर रहे हैं, किसमें से 25 खिरे, 25 एक मिनट हाँ, 25 खिरे, और उसके पहले ऑलरेडी 30 खिर चुके थे। मुझे उठने की आवश्यकता हो तो बता देना मुझे, मैं उठ के दिखाऊंगा। स्टिक है क्या, एक स्टिक, इतनी बड़ी कैसे होगी, लेकिन आप यहाँ पर ले सकते हो उसको, एक हद जनाओ यहाँ पर बिल्कुल पास में लो, मैं और मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है ना, क्योंकि मैं देवेश नहीं हूं ना, और देवेश भी मैं नहीं है, देवेश बेचारा कैसे समझेगा। चलो चलो देखिए, अब इसके लिए कुछ है स्टिक छोटी सी यहाँ पर कहीं, हाँ देखते ना, और बड़ी कोई मिलती है तो।
ए, अरे कुछ भी क्या स्टिक है क्या एक हाथ, नहीं तो फिर मैं दूसरी हा? देखो जल्दी चलिए, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सुनिए सब, क्या गाड़ी की लाने गए? ठीक है चलो ठीक, ए आ जाओ अंदर, ठीक है चलो। देखिए अभी सब ये 30 खीरे छठवें समय में, 30 खीरे ये अगले समय में 25 खीरे बात उसकी नहीं है। ये ठीक है, हाँ ठीक है, लाइट वेट का जमाना है चलो। हाँ देखो ये 30 यहां पर खीरे, आप इसी को बस कंसीडर करो, इस वर्टिकल कॉलम को, आगे पीछे कुछ नहीं देखो, मुख्य गौण व्यवस्था है ना अपने पास। ये 30 खीरे तो इस समय में 70 बचे, ठीक है, तो ये 70 अपने यहां पर रखे। अभी देखिए ये 25 प्लस 30 ये कुल मिलाकर छठवें समय में ये सत्ता में पड़े, ये 30 तो खीरे दिखा रहे अपन, तो सत्ता में पड़े 70। ओके ओके, मैं उदय उदय बोल रहा था, खीरे बोल रहा था मैं कि सत्ता बोल रहा था, 70 बचे, हाँ तो बचे, अब बचे मतलब सत्ता में। अभी देखिए, अभी ये देखिए 30 और 25 ये छठवें समय तक कितने खीरे, 55 खीरे इसके, सत्ता में कितने पड़े 45, यहां पर 45 लिखो। अभी यहां पर आए आप नीचे, छठवें समय में, छठवें समय तक अपना ऐसा बोले कितने खिर रहे हैं, ये 20 25 और 30 75 खिरे, कितने बचे 25 सत्ता में पड़े, ठीक है सत्ता में पड़े हैं कहां पर, ये छठवें समय की बात कर रहे हैं अपन, छठवें समय की सत्ता निकालनी है ना अपने को, छठवें समय का इनपुट और आउटपुट तो नक्की कर दिया अपन ने, 100 आ रहे 100 जा रहे, छठवें समय की सत्ता अपन निश्चित करें, तो 30 यहां पर खिरे तो सत्ता में 70 पड़े। अभी यहां पर खिरे 30 तो खिर ही चुके थे, 25 और खिरे 55, सत्ता में पड़े 45 लिखे, फिर यहां पर तीसरे संबंधी 25 सत्ता में पड़े। अभी यहां पर आओ, अभी तक कितने खिरे, 90 खिरे छठवें समय में, छठवें समय में 90 खिरे तो बचे कितने 10। ये जो 10 बचे सत्ता में वो कौन से समय में बंधे वाले बचे हैं, ये दूसरे समय में बंधे वाले हैं, ये पकड़ रहे आप सब, और आइए ये बराबर है ना। अभी अभी यहां पर देखिए, अभी ये 10 परमाणु ये पहले समय में बंधे वाले थे ना, वो छठवें समय में पूरे बाहर निकल गए हैं, तो इस संबंधी सत्ता में कुछ है बिल्कुल नहीं, यहां पर 0 लिखो आप। अभी यहां पर टोटल करें कितनी टोटल आ रही है, 150 टोटल आ रही बराबर। इससे हमने निश्चित किया कि जितने आते उतने जाते, डेढ़ गुने बने रहते। अभी अभी आप निरंतर आगे देखिए, इसके आगे सातवें समय में भी आप फाइंड करेंगे, आपको बराबर 150 मिलेंगे सप्ताह में। कैसे, इसको अभी एक लाइन बढ़ानी पड़ेगी आपको ऊपर, तो बराबर 150। अभी इस छठवें समय के बाद जितने भी कॉलम्स आप देखेंगे, आपको 150 सप्ताह में मिलेंगे, इनपुट 100 और आउटपुट 100 मिलेंगे। अभी आपका एक प्रश्न होता होगा, बैठिए बैठिए, अभी एक प्रश्न होगा आपका, क्या प्रश्न होगा बोलिए, अभी क्या होना चाहिए। छठवें समय तक तो सिद्धि नहीं हो रही ना बराबर, क्योंकि छठवें समय तक अपन दूसरा समय लेवे, तो दूसरे समय में 100 आ रहे हैं और जा कितने रहे हैं 30, और सत्ता में कितने पड़ रहे हैं 70, तो 100 आ रहे 30 जा रहे 70 सत्ता में पड़े हैं, तो कहां सिद्धि हो रही। तो पहले 5 समयों का आपको गौण करके चलना है, ये उदाहरण है ना, उदाहरण में हमने आदि दिखाई है और सिद्धांत है वो अनादि का है, इसलिए उदाहरण में ये कमी आ रही है, आप समझ रहे हैं। वो जो टंकी में भी उदाहरण में थोड़ी दिक्कत दिख रही है ना हमको, वो दिक्कत इसलिए दिख रही है क्योंकि एक समय में इनपुट हो रहा था तब आउटपुट थोड़ी हो रहा था पाइप का, तो इकट्ठा होने तक आउटपुट तो हुआ ही नहीं,
इसलिए कोई ये तर्क कर सकते तब इकट्ठा होता रहा, लेकिन सिद्धांत में ऐसा नहीं है, आ भी रहे जा भी रहे उतने अनादि से। ये तो शादी का अपना उदाहरण है, इसलिए ऐसा होता है कि प्रारंभ में इनपुट तो है लेकिन आउटपुट नहीं दिखा पा रहे हैं, चलना है आगे। जैसे स्थूल उदाहरण है एकदम, यहाँ का भी ऐसे ले सकते हैं, अपने मंगलायतन का ले लीजिए, हर साल कितने जन आते हैं, कितने एंट्री होते, 20 जन एडमिशन लेते हैं, बोलो मत, बस उदाहरण उदाहरण चलाना अपने को, 5 क्लासेस है ना वैसे, 8, 9, 10, 11, 12, 20 जन आते हैं 20 जन जाते हैं, और फिर भी 100 बने रहते हैं कि नहीं, उदाहरण है, उदाहरण भी नहीं समझते आप, 20 आ रहे 20 जा रहे हैं फिर भी 100 बने हैं, कैसे संभव हो गया? ये ऐसे संभव हो गया, ये कोई मैजिक नहीं है, ये पहले 4 साल तक 5 साल तक समझ लो कोई आउटपुट नहीं हुआ है, 20-20 साल इनपुट ही इनपुट होता रहा है, तो 100 तो आए हैं और बाहर कुछ नहीं निकले है ना, तो अभी 20 आएंगे 20 जाएंगे, लेकिन जो आएंगे वही थोड़ी ना जा रहे, पहले पहले निकल रहे हैं। यहां पर तो ये उदाहरण सिद्ध होता है, जो आ रहे वे ही नहीं जा रहे, वो तो पुराने खिर रहे हैं अभी, पकड़ रहे आप सब, ये लेना, ये उदाहरण सबको समझ में आया होगा ये मानकर। अब मैं थोड़ा सा आपको गुण हानि आयाम वगैरह बताऊंगा, इसको रब करो, मैं अच्छे से बताऊंगा। गुण हानि आयाम वगैरह समझते आप लोग? नहीं समझते? वैसे मैंने इस साल 8वीं वालों को अच्छे से लिया है गुण हानि आयाम, ये वैसे प्रवेशिका में सब कुछ है आपने, चार्ट अभी लिखा था, देखो आयाम का पहले अर्थ समझिए सब। आयाम का अर्थ होता है लंबाई, जैसे इमेजिन करो, इमेजिन क्या करने, एक वर्ड लो खड़ा, प्राणायाम, इसके क्या संधि विच्छेद करो, प्राण प्लस आयाम, आयाम मतलब लंबाना, प्राण मतलब श्वास, श्वास प्राण है कि नहीं, 10 प्राणों में श्वासोच्छ्वास, तो श्वासोच्छ्वास को अपने लंबाया, डीप ब्रीदिंग कहते ना वे, बस वही प्राणायाम है। मैं तो अर्थ किसका बता रहा हूं, आयाम मतलब होता है लंबाई। अब गुण हानि और गुण हानि आयाम हमको दो चीज समझना है, क्योंकि ये तो सामान्य हमने इतना से समझ लिया, जितना आ रहे उतना जा रहे, डेढ़ गुना बने हैं, लेकिन गुण हानि आयाम क्या चीज है उसको हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। क्या गुण हानि आयाम से गुणित समय प्रबद्ध, डेढ़ गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध, ऐसा बोल रहे बार बार, तो गुण हानि क्या और गुण हानि आयाम क्या है हम देखते हैं। एकदम एक इमेजिनरी एग्जाम्पल हम लेते हैं, अब कल्पना करें कि 512 परमाणु खिर रहे हैं एकदम, अभी एक काम करो, सुनो एक काम करो, इसको खड़ा करो बोर्ड को अभी, हाँ, और एकदम स्मॉल डिजिट्स चाहिए आपके, 500 क्या लिख रहे हैं आप, 512, आप ये समझ लीजिए कि 48 समयों में आपने को खिरे हुए दिखाने हैं, 48 समय, ये लेकिन कंसेप्ट क्लियर होएगा आपका। वैसे 8th वालों को पढ़ा है मैंने इस साल प्रवेशिका में से, अब क्या लिखा, 512 लिखा, फिर लिखो 480, 448, 416, लिखते चलो, 448, 416, 384, 352, 320, 288, इनको नहीं दिखेगा क्या, वे तो लिख रहे, वे उनका देखेंगे ना फिर, तुम तो लिखो चलो, हाँ आप तो लिख रहे हैं ना सब, नहीं लिख रहे तुम, मैं तो बोलता जा रहा हूं ना, पेज के बीच में लिखे, साइड में लिखे, ना लिखे, आपको ये समझने के लिए है, और कहीं भी लिखो, लेफ्ट वर्ड्स लिख लो, मुझे 48 गुण हानि और गुण हानि आयाम समझना है हमको बस, ठीक है, आपको 48 चाहिए तो आप एक काम कर सकते हैं, एक लाइन में आप दो डिजिट्स लिख सकते हैं, ऐसे 24 लाइंस में बन जाएगा आपका 48, ठीक है। देखिए 512, मैं मेरा इमेजिनरी भी एग्जांपल दे सकता हूँ वैसे, लेकिन ये प्रवेशिका में भी यही प्रयुक्त है, सब जगह यही है,
आपको समझ में आएगा, फिर इमेजिनरी में मैं बाद में दूंगा। 512-480-448-416-384-352-320-288 तक आए, आ गए। 18 नहीं आ रहे। चलो ठीक है, सुनो आप कल्पना कर सकते हैं सब। 16 आप कंटिन्यू करें सब। 16 हाँ 14 कहाँ से लाया, 16 15 14 13 12 11 10 9 अभी सब सुनिए। हाँ 9 तक है ना, किसी को दिख रहा है, तुम चिंता मत करो, तुम तो कुछ ना कुछ लिखते चलो, तुम क्यों डरते हो। चलो सुनो, देखिए अभी हमको समझना है गुण हानि और गुण हानि आयाम क्या चीज है। ये आप देख रहे हैं कर्म खिर रहे हैं, वे निषेक रचना क्रम में खिर रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। ये कभी बंधे थे, इन सब की टोटल है 6300। कितनी टोटल है ये? 6300। ये कभी इनपुट हुआ था एक समय में इतने परमाणुओं का, 6300 का। ये खिरे हैं इतने सब, और कितने स्थिति बांधकर बंधे होंगे वे? 48 समयों की स्थिति बांधकर खिरे हैं ये। इसलिए आप देखेंगे 48 मैंने बोलते समय कहा, अभी अबाधा काल को अपन ने गौण किया थोड़ी देर के लिए अपना ऐसा मान के चलो, या तो आपको ये कहना पड़ेगा फिर कि 49 स्थिति समझो और अबाधा काल एक ले लो, लेकिन वो थोड़ी दिक्कत आएगी। अबाधा काल को गौण करो, अभी 48 समय में 6300 कर्म खिरे है, ठीक है। वैसे एक समय में बंदे खिरे दिखा रहे अपन, वैसे इतने ही नहीं खिरते, क्योंकि अन्य अन्य समय में बंदे भी साथ साथ तो खिरते रहते हैं, लेकिन अपने को नहीं मिक्स करना चाहते अपन, तभी तो समझ पाएंगे अपन। अभी देखिए 512-480 ये कम होते जा रहे, निषेक रचना कम पकड़ रहे ना, ये डेफिनेट इंटरवल्स से कम होते जा रहे हैं। एंड व्हाट इज दैट डेफिनेट इंटरवल? आप देख रहे होंगे ये 32 का गैप है, वेरी नाइस। इसको क्या वर्ड दिया था मुक्ति? सुनिए, ये 32 का गैप पड़ रहा है बराबर, ये कहां तक है 32 का गैप? वहां पर लाइन खींच लो, एक 32 का डिफरेंस जहां तक है लाइन खींच लो, हॉरिजॉन्टल एक लाइन। एक काम करो, सुनो, ऐसा नहीं, एक मिनट रुको सब, देखो इससे ये कितना कम है, ये बोलिए मत, करना कुछ नहीं अभी किसी को, ये कितना कम हुए? 32 और एक मिनट, ये भी 32, ठीक है, और ये भी 32, ये नहीं नहीं ठीक है, 256 और 2, एक मिनट तुम, मैंने कहा ना जल्दी मत करो, 256 और 288 के बीच में आपको लाइन खींचना है, एक आपको मैं बताऊंगा लॉजिक है कुछ, ठीक है। ये डिफरेंस बराबर कितना आता जा रहा है? 32 का डिफरेंस है, अब इसका डिफरेंस 32 है, इसलिए अपन ने यहां पर लाइन लगा दी, यदि इसका भी 32 होता तो अपन 256 के नीचे लाइन लगा देते, ऐसा है ये। अभी इसको कहेंगे 32 का डिफरेंस है निरंतर, इसको कहेंगे गुण हानि,
32 लिख लीजिए, इसको कहेंगे गुणहानि 32 है उसकी, इसको करली करो राइट। कैसा करली किया इसने? चलो कोई बात नहीं गुणहानि लिखेंगे आप 32। यहां पर गुणहानि क्यों लिखा? इतना ब्रेक होते 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 नीचे आता है, उसका डेफिनेट इंटरवल है, गुणहानि कहेंगे उसको, उतनी हानि होती जा रही। अभी गुणहानि आगे देखते हैं हम, ये डिफरेंस आप देख रहे होंगे 256 से 16 कम है ये, फिर ये 16 कम, फिर 16 कम, फिर 16 कम, नेक्स्ट लाइन किसके बीच में खींचेंगे आप? 144 और 128 के बीच में खींच लो, राइट, वेरी नाइस। वहां पर लिख लीजिए करली करके, गुणहानि फिर से मत लिखो, गुणहानि 16 करो अभी 32 के नीचे, हाँ दे दो। ए, तुम क्या कर रहे? इसको दे रहे कि क्या तुम बैठ रहे? अरे मुझे लगा तुम सेवा कर रहे, तुम ऐसी खड़ी खड़ी करो ना इसको, फिर दिख नहीं रहा यहाँ से। अरे क्या हो रहा है? नहीं सुनो, देखने की आवश्यकता नहीं है आपको। ए, तुमने चार्ट बनाया कि नहीं? तो यही तो दिक्कत है, चार्ट बनाए नहीं है। चार्ट किसने बनाए हो समझ में आ रहा हो हाथ ऊपर करे। लर्न फ्रॉम दिस। चलो ठीक है, सुनिए अभी सब, अभी इसका डिफरेंस करते चलिए, 8-8 का डिफरेंस आ रहा है। अभी लाइन कहाँ तक चलेगी? 72 और 64 के बीच में एक लाइन आएगी, 64 और अरे 64, एक मिनट सही है, 64 के नीचे लाइन आएगी। अब बराबर नहीं सही है क्योंकि इसका डिफरेंस 4 पड़ेगा ना, फिर 72 और 64 में तो डिफरेंस 8 है। नहीं वो नहीं देखना है ना, सुनो ये इसका डिफरेंस नहीं, अभी ये इसका डिफरेंस 4, ये 4 की सीरियल यहाँ चालू होगी, वो 64 इस कैटेगरी में आएगा, समझ में आ रहा? 64 नेक्स्ट कैटेगरी में लेंगे 8। अभी यहाँ पर भी आंख मिच कर अभी यहाँ पर कर लो काम, तुम 36 और ये क्या है, हाँ 36 और 32 के बीच में कर लो लाइन, या करली करके लिख लो 4। इसे गुणहानि कहते, गुणहानि डेफिनेट इंटरवल से कम होता जा रहा है। अभी यहाँ पर लिख लो 2, सब नहीं है वैसे क्योंकि बाद में 1 भी है, 18 और 16 के बीच में लाइन खींचेगी, फिर गुणहानि लिखेंगे वहां पर 1 अंतिम। तो गुणहानि आप देख रहे हैं 32 16 8 4 2 1, ठीक है। अब गुणहानि आयाम को समझते हैं, मैंने अभी कहा था आयाम मतलब लंबाई। अब देख रहे होंगे ये सब 8-8 डिजिट्स के बाद ही बराबर ये ब्रेक हो रहा है, तो इसे कहते हैं आयाम। ध्यान रखना गुणहानि आयाम एक सेटेड होता है, तो गुणहानि आयाम है 8 इस फिगर में। गुणहानि आयाम कितना हुआ? 8। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर लंबाई जहां तक वो डेफिनेट सिमिलर इंटरवल से डिक्रीज होता जाता है उसे कहते गुणहानि आयाम। कितने जन बात को पकड़ रहे हैं? वैसे इसमें चय वगैरह ये मैंने 8 वालों को पूरा लिया, उनको सिलेबस में प्रवेशिका पढ़ाया। बोलो क्या हर के लिए थोड़ी ना ऐसा कुछ होता है, ये तो इमेजिनरी एग्जांपल खड़ा किया अपन ने कि 32 16 ऐसा वेरी होगा, ये तो सब अनंतों को ही काम है। हाँ गुणहानि आयाम होगा ना, एक कर्म जो होगा उसके लिए चल रहा है अपना, एक समय में जितने बंदे हैं उसके लिए, ठीक है। अब क्या प्रश्न पूछ रहे वैसे नहीं समझ रहा हूं मैं प्रॉपर। हाँ इसके साथ अन्य अन्य कर्म भी खिरेंगे है ना। हाँ बोलो, नहीं ये तो एक इनपुट की तरफ से अपनी चर्चा है। चलो ये गुणहानि आयाम 8 बन गया इसका,
गुना न्यायम मतलब वो कितने इंटरवल्स तक वो डिक्रीज होता जाता है, तो उसको कहेंगे ये गुना न्यायम है 8। अभी अपने प्रकरण पर लौट आओ, कौन सा प्रकरण चल रहा था अपना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक आपके पास लीजिए, फिर से उसको पढ़ते हैं अभी थोड़ा सा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आप पेज नंबर खोलिए, 30 था ना, 30 पेज नंबर खोलिए, 30 देखिए क्या कहते हैं 30 पेज नंबर पर। इस प्रकार कर्मों की बंद उदय सत्तारूप अवस्था जानना, वह प्रति समय एक समय प्रबद्ध मात्र परमाणु बंधते हैं तथा एक समय प्रबद्ध मात्र की निर्जरा होती है, डेढ़ गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध मात्र सदाकाल सत्ता में रहते हैं। अब यहां पर क्या बोल रहे हैं, ये डेढ़ गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध, तो गुण हानि आपको चाहिए उसके लिए। अब गुण हानि तो लिखा है डेढ़ गुणी है ना, गुण हानि आयाम से गुणित, एक मिनट डेढ़ गुण, देखो मैं एक विशेष बात कहता हूं आपको, ये यहां पर क्या लिखा है टोडर में जी ने, डेढ़ गुण हानि से गुणित लिखा ना, ये यहां पर आपको समझना ये है, डेढ़ गुण हानि आयाम से गुणित, कितने जन बात को पकड़ रहे हैं, डेढ़ गुण हानि सही कैसे है, गुण हानि और गुण हानि आयाम चीजें अलग है, गुण हानि तो बदलती जाएगी लेकिन गुण हानि आयाम एक सेटेड रहती है, तो समझने की बात है, लेकिन मैंने आपका ध्यान आकर्षित कराया। यहां पर क्या कह रहे हैं, डेढ़ गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध, तो यहां पर समझना क्या है, डेढ़ गुण हानि आयाम ठीक है मल्टीप्लाइड बाय समय प्रबद्ध, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, जो अपन ने अभी फिगर बनाया है इसका गुण हानि आयाम कितना है 8, डेढ़ गुण हानि आयाम कितना बनेगा 12। अभी इसका मैथमेटिक्स के लिए फिर अलग सा समय लगेगा, फिर कभी करना हो तो देख लेंगे आपका भाव हो तो, लेकिन ये डेढ़ गुना जो अपन कहते हैं वो वास्तव में वैसे ही डेढ़ गुना नहीं है, तो कैसे है, डेढ़ गुण हानि आयाम मल्टीप्लाइड बाय समय प्रबद्ध ऐसा लेना। ये तो डेढ़ गुना हम इसलिए कहते हैं, गुण हानि आयाम इज इक्वल टू 1 एज्यूम, तो फिर अपना पूरा चार्ट चल रहा है, कितने जन मेरी बात को समझ रहे हैं। अभी जो इससे पहले चार्ट चला अपना, वहां पर एजम्पशन में और एक बात लिख लीजिए, आप क्या लिखेंगे, अभी गुण हानि आयाम इज इक्वल टू 1 एज्यूम करो, 1 तो हो ही सकता है ना गुण हानि आयाम, इमेजिनेशन में गुण हानि आयाम इज इक्वल टू 1 में क्या आएगा, मतलब क्या रहेगा उसका, मतलब ये 8-8 के बाद जो बदलता है वैसा कुछ नहीं होगा, मतलब हर एक में बदलता जाएगा, तो उसको कहेंगे गुण हानि आयाम इज इक्वल टू 1। तो वहां पर प्रीवियस जो अपने डायग्राम लिया, ये सुनिए ये कठिन कितने जन को लग रहा है, वैसे अपन बाहर निकल रहे कठिनाई से क्योंकि अभी साफ है मामला पूरा, ये कठिन पैच अभी निकल गया, तो अभी लगभग 20-25 दिन साफ है पूरा, फिर एकदम समापन में थोड़ा कठिन पड़ेगा, बाकी प्रकरण एकदम इजी चलेगा, लेकिन ये भी फिर दूसरा अवसर कभी समझने को। और फिर ये हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हमको मोक्ष मार्ग प्रकाशक समझना है ना, फिर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में फिर वो तकलीफ होगी अपने को समझने में, हम क्यों अवॉइड करेंगे। मैं हमेशा इसलिए एक बात कहता हूँ, जिसको एक जगह सिग्नल लगा बोलो, उसको डेफिनेट दूसरी जगह सिग्नल लगेगा, कहते हैं ना ओह अभी सब जगह सिग्नल लगते चलेंगे, तो जो एक जगह अवॉइड करेगा प्रकरण को वो हर जगह उसको वही वही प्रकरण दिखेगा, तो बेटर यही है वही पर टैकल करें अपन बात को। तो गुण हानि आयाम अपने समझा, और डेढ़ गुण हानि आयाम से गुणित समय प्रबद्ध, जितने परमाणु आए वो मल्टीप्लाइड बाय डेढ़ गुणी हानि आयाम, इतना सप्तम स्टॉक में पड़ा रहता है, उपचार से कहते हैं डेढ़ गुना सप्तम में पड़ा रहता है, चलना है। कितने जन को थोड़ा क्लियर हो रहा है, हाथ ऊपर करो, थोड़ा मैं बहुत संकोचवश हाथ ऊपर कर ये बोल रहा हूं मैं, परफेक्टली कितने जन पकड़ रहे बात को, बस 2 ही जन है, तो हाथ ऊपर करो, मुझे समझना है कितने जन पकड़ रहे बात को, आप नहीं समझ रहे, क्या क्या गुणित वाला, देखो डेढ़ गुना हानि आयाम,
गुणहानि आयाम समझ में आता है, तो उसको डेढ़ से मल्टीप्लाई करो, डेढ़ गुणहानि आयाम होगा। ए सुनो सुनो मेरी बात को, अभी अब नीचे मत देखो, अभी तक अपन क्या देख रहे थे, जितना आ रहा है उतना जा रहा है, डेढ़ गुना सत्ता में पड़ा रहता है। ये तो हमारे समझ की कन्वीनियंस के लिए था ये सब, अभी तक तो वास्तव में डेढ़ गुना ही नहीं सत्ता में पड़ा रहता है समय प्रबद्ध के। तो समय प्रबद्ध के डेढ़ गुण हानि आयाम, मतलब डेढ़ मल्टीप्लाइड बाय समय प्रबद्ध ही नहीं, डेढ़ मल्टीप्लाइड बाय गुण हानि आयाम मल्टीप्लाइड बाय समय प्रबद्ध। लेकिन पूर्व डायग्राम में हमने गुण हानि आयाम इक्वल टू वन एज्यूम करके पूरा काम किया, क्योंकि और कॉम्प्लिकेशन हो जाता फिर वो। ठीक है, कितने जन समझ रहे, मैं जानना चाहता हूं, इसे जानना जरूरी है मुझे। कार्तिक समझ नहीं रहे, हाथ ऊपर, क्या क्या तकलीफ है, बीमार हो मैं, क्या तकलीफ है, तो हाथ ऊपर क्यों नहीं कर रहे। मुझे समझना जरूरी है कितने जन पकड़ रहे बात को, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन अभी ही है, फिर कल से एकदम साफ है मामला, एकदम सरल विषय वस्तु चलेगी। ठीक है, समय तो अपना हो गया है, और विशेष चर्चा करनी है उसको देखेंगे अपन कल। ओम नमः।